फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? वेलकम टू टेक नॉलेज मूवी चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए, आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा मैं किस बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, सही देखा है आपने थंबनेल, रेडमी नोट 7 और 7S में शाओमी की तरफ से अपडेट रिलीज कर दिया गया है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आप सबसे पहले मैं स्क्रीन पे, मोबाइल की स्क्रीन पे देख सकते हैं अपडेट आर अवेलेबल है। ठीक है, सेटिंग में जाके मैं आपको अपडेट दिखाता हूँ। सेटिंग, अबाउट फोन, यहाँ पे आप मेरा मॉडल नंबर भी देख सकते हैं, रेडमी नोट 7S लिखा हुआ है। सिस्टम अपडेट, सिस्टम अपडेट में दोस्तों यहाँ पे एक वर्जन V11.0.9.0 का स्टेबल अपडेट यहाँ पे रिलीज हो गया है। 696 MB का ये अपडेट है। इसमें आपको सिस्टम में आपको मिलेगा ऑप्टिमाइजेशन अपडेट, एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच फरवरी मंथ का 2020 का, इंक्रीज सिस्टम सिक्योरिटी। और थर्ड में मिलेगा आपको ऐप लॉक, ऐप लॉक इज सपोर्टेड फॉर ऑल एप्स नाउ। कुछ कुछ ऐप लॉक में बग्स वगैरह आते थे, वो सब अब सपोर्टेड होंगे, जितने भी एप्लीकेशन है उसमें सब में वर्क करेगा। तो फिर ऐप वॉल्ट दिया गया है। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ऐप वॉल्ट मिलेगा आपको, तो कुछ ज़्यादा वो नहीं है अपडेट में, बट आपको फरवरी का सिक्योरिटी पैच आपको यहाँ पे मिल जाता है। और ऐप लॉग वगैरह जो बग्स फिक्सिंग का ये अपडेट आया है। फिर इसके बाद शायद आपको बहुत जल्द एंड्रॉयड क्यू का अपडेट भी देखने को मिल जाए। मुझे लग रहा है कि 31 मार्च से पहले या अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको एंड्रॉयड क्यू का अपडेट मिल जाएगा इसमें देखने के लिए। तो यही था दोस्तों आज के वीडियो में, और मैं इसको अपडेट करने के बाद, ये फ़ोन को अपडेट करने के बाद आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्या क्या चेंज हुआ है। तो थैंक यू दोस्तों, आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों, हैव अ गुड डे।